कायर व्यक्ति हमेशा ही दुखों का पात्र बना रहता है। दोस्तों, कायर व्यक्ति की इस दुनिया में कोई जगह नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेति आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम जो मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं, मुझे नहीं लगता कि आपने पहले कभी देखा होगा ऐसा कार्यक्रम। मिथुन राशि के लिए बहुत ही ज्यादा विशेष है। दोस्तों, हमारे ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियां होती हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। आज हम जानेंगे आपकी मिथुन राशि है, लेकिन अन्य जो राशियां हैं, बाकी जो 11 राशियां हैं, इनके साथ आपका कैसा रहता है, कैसे सोच विचार होते हैं, कैसे तालमेल होते हैं, ये हम जानेंगे एक एक करके आपकी राशि का बाकी राशियों के साथ में। और ये भी जानेंगे कि कौन सी राशि के साथ में आपकी मित्रता, फ्रेंडशिप सबसे अधिक देखी जाती है और बहुत अच्छी रहती है, और इसके साथ में मिथुन राशि का प्रेम, प्यार और विवाह कौन सी राशियों के साथ में सबसे अच्छा देखा जाता है। और इसी के साथ साथ ये भी जानेंगे कि कौन सी हैं वो राशियां जिनके साथ मिथुन राशि की फाइट्स, लड़ाई झगड़े बहुत अत्यधिक देखे जाते हैं। अगर दोस्तों आपकी मिथुन राशि है तो फिर तो जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बाकी जो राशियां हैं 12 राशियों में से सबके साथ कैसा कैसा रहता है। अगर आपकी मिथुन राशि नहीं है तो फिर शेयर कीजिएगा सबके साथ। ये कार्यक्रम दोस्तों आपकी जन्म की राशि यानी कि चंद्र राशि पर आधारित है। चलिए करते हैं शुरुआत, ध्यान से सुनना। अब मिथुन राशि ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों में से तीसरे नंबर की राशि होती है जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, और एक वायु तत्व की राशि होती है मिथुन राशि, जिनके अधिपत्य बनते हैं बुध ग्रह। युवराज का पद प्राप्त है बुध ग्रह को, और मिथुन राशि का चिन्ह होता है जुड़वा। सबसे पहले आपके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर आगे बताएंगे, ठीक है, ताकि इंटरेस्टिंग लग जाए आपको सब कुछ। दोस्तों, मिथुन राशि एक वायु तत्व होने की वजह से कहीं ना कहीं ये बातें बहुत करते हैं, या फिर ये कह सकते हैं इसकी जगह की बहुत सोचते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि बहुत करना चाहते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि इनके लक्ष्य बहुत बड़े बड़े होते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये करना तो बहुत चाहते हैं, सोचते बहुत हैं, बोलते बहुत हैं, लेकिन इतना एक्शन में नहीं लेकर आ पाते, या फिर ये कहते हैं कि जितना ये सोचते हैं उतना इनके साथ में एग्जैक्ट एट द टाइम नहीं होता, क्योंकि जुड़वा इनका प्रतीक चिन्ह है। यानी कि देखा जाए तो यहां की भी सोचना और यहां की भी सोचना है कि दो नाव में एक साथ पांव रखना, और ये इनको कहीं ना कहीं फील होता होगा, मिथुन राशि को जरूर होता होगा इनको फील कि ये जहां पे दो 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 चीजें एक साथ सोच रहे हैं तो वहां इनको कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। हालांकि ये बोलने चालने में अच्छे होते हैं, जहां पर भी बोलते हैं तो वहां बहुत अच्छा बोलते हैं, और इनके फ्रेंड सर्कल्स कहीं ना कहीं जब बनते हैं तो इनके इनके ऊपर विश्वास भी बहुत जल्दी कर लेते हैं, इनको अच्छा मानने लग जाते हैं। इनके अंदर एक कला होती है किस चीज की, बोलने की, व्यापारिक। अगर आप व्यापार नहीं करते हैं तो फिर भी ये व्यापारिक होते हैं, बोलने चालने में लोगों को अट्रैक्ट भी कर लेते हैं। अब जानते हैं दोस्तों कि आपकी राशि का, मिथुन राशि का अन्य राशियों के साथ, 11 राशियों के साथ कैसा रहता है, ठीक है। सबसे पहले मेष राशि का आपके साथ में। दोस्तों, मेष राशि एक अग्नि तत्व राशि है और आपकी एयर साइन है। हवा में अगर आग लगे तो क्या होगा, अग्नि और फैलेगी और फैलती रहेगी। यानी कि अगर आप मेष राशि वालों के साथ में आ गए ना, अगर मिल गए तो मेष राशि वाले व्यक्ति खुद आपसे दूर भागने की कोशिश करेगा, और आप भी दूर भागने की कोशिश करेंगे। अब वृषभ राशि की बात करूं, वृषभ राशि और मिथुन राशि, पृथ्वी तत्व और एयर साइन, बहुत अच्छा, क्योंकि आपकी राशि के मालिक बुध हैं और वृषभ राशि के मालिक शुक्र हैं, शुक्र बुध परम मित्र हैं। लेकिन हाँ, यह है कि वो आपको कुछ नॉलेज भी देते हैं। वृषभ राशि से जुड़ेंगे तो आपको नॉलेज मिलेगी, आपको कहीं ना कहीं ज्ञान बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, एक लगेगा कि हाँ एक मैच्योर व्यक्ति से हाँ आपकी फ्रेंडशिप हुई है, बहुत अच्छी और गहरी मित्रता यहाँ पे देखी जाती है, तालमेल अच्छा होता है। अगर दोस्तों आप कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि का मिथुन राशि से हम बात करें तो यहाँ पे शत्रुता देखी जाती है, क्योंकि चंद्रमा और बुध कोई तालमेल नहीं होता। यहाँ पर देखा जाए तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि जो कर्क राशि वाले व्यक्ति हैं बहुत फैक्ट हैं, बहुत चंचल हैं, एक एक बात पर नहीं टिकते और एक बात को जो बोलते हैं उसको नहीं मानते, यानी कि जो बोलते हैं वो करते नहीं है, आपको ऐसा लगेगा कर्क राशि के अंदर, ठीक है। सिंह राशि की अगर मैं बात करूं, दोस्तों सिंह राशि और मिथुन राशि मित्रता है, क्योंकि सूर्य और बुध एक साथ ही रहते हैं सौर मंडल में,
ठीक है। तो यहां पर अगर मिथुन राशि वाले व्यक्ति सिंह राशि से जुड़ेंगे ना, तो उनको बड़ा प्राउड फील होता है, उनको लगेगा कि उनको बहुत सेफ फील होता है, उनको लगता है कि अगर सिंह राशि वाला व्यक्ति कोई भी जुड़ गया ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है मिथुन राशि का। जी हाँ, मिथुन राशि का कॉन्फिडेंस लेवल, कुछ भी चीजें ग्रो हो जाते हैं सिंह राशि के साथ में जुड़कर। कन्या राशि की बात करूं आपके साथ में दोस्तों, कन्या राशि और मिथुन राशि दोनों के राशि के स्वामी बुध हैं। वो कहते हैं ना कि जैसा मैं वैसा सामने वाला, तो आपको ऐसा फील होगा कन्या राशि से जुड़कर, जैसा मैं हूं ऐसा ही मुझे मिल गया, ऐसा ही मुझे मेरा सामने वाला मिल गया, तो अच्छा रहता है तालमेल और अच्छी फ्रेंडशिप, अच्छा सब कुछ यहाँ पे ट्रस्ट जो है वो अच्छा रहता है कन्या राशि के साथ आपका। तुला राशि की बात करूं आपके साथ में मिथुन राशि के साथ में, तुला राशि के मालिक हैं शुक्र और आपकी राशि के मालिक हैं बुध। शुक्र और बुध मित्र हैं और यहां पर आप जब तुला राशि से जुड़ेंगे तो यहां पर बहुत कुछ वो आपको दे सकते हैं, जैसे कि साथ में घूमना फिरना मौज मस्ती, बहुत सारी चीजें सिखाएंगे आपको वो। लेकिन कैसी चीजें? ऐसी चीजें लग्जीरियस मौज मस्ती, ऐसी चीजें, और आपको बड़ा एंजॉय भी आएगा उनके साथ। वृश्चिक राशि की अगर मैं बात करूं, वृश्चिक राशि का दोस्तों मिथुन राशि के साथ में सामान्य रहता है, लेकिन हाँ यहां पर आप वृश्चिक राशि के साथ में बहुत ज्यादा ट्रस्ट भी नहीं कर सकते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम्स का सामना आपको ही करना पड़ सकता है, लेकिन यहां पे सामान्य रहता है, ना बहुत अच्छा ना ही खराब। धनु राशि की बात करूं तो धनु राशि के मालिक हैं गुरु और आपकी राशि के मालिक हैं बुध। यहां पर आपको लगेगा कि जब आप धनु राशि से मिलेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि वो बहुत ज्ञानी हैं, वो बहुत मैच्योर हैं, उनकी बातें बहुत चेंज हैं, बहुत अलग हैं, बहुत ही अलग टाइप के हैं, आपको ऐसा फील होगा धनु राशि में, तो आप स्वयं थोड़ा सा उनसे दूरी बनाने का प्रयास करेंगे। वही मकर राशि की बात करूं आपके साथ में, मकर राशि के स्वामी शनि, शनि और बुध, बहुत अच्छा। यहां पर अगर आप कुछ भी परेशान होते हैं, परेशानी में होते हैं, परेशान होते हैं, कोई भी दिक्कत होती है आपको, कोई भी आप शेयर करना चाहते हैं, तो आप मकर राशि और कुंभ राशि के साथ में ही शेयर करेंगे और वो आपको समझेंगे। वो कहते हैं ना गुड लिसनर, आपको अच्छे तरीके से समझेंगे, आपकी बात को सुनेंगे और आपकी हेल्प करने में भी आगे रहेंगे। कौन? मकर राशि और इसके बाद कुंभ राशि। मीन राशि की अगर मैं बात करूं दोस्तों, मीन राशि के मालिक भी गुरु हैं, जैसे मैंने बताया धनु राशि वैसे ही मीन राशि, लेकिन हाँ थोड़ा इमोशनली होते हैं मीन राशि वाले व्यक्ति आपके साथ में, लेकिन आपका नेचर थोड़ा सा अलग है। मिथुन राशि वाले व्यक्ति को मैंने बताया था नेचर कैसा है, तो यहाँ पर मीन राशि का थोड़ा अलग है। जुड़ते भी हैं तो जुड़ सकते हैं, सामान्य रहेगा यहाँ पे, बहुत अच्छा भी नहीं बहुत खराब भी नहीं। अब दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मिथुन राशि की कौन सी राशि के साथ में बहुत गहरी मित्रता देखी जाती है, जिन पर आप विश्वास कर सकते हैं, अपना मित्र बना सकते हैं और आंख बंद करके भी उन पे बिलीव कर सकते हैं। कौन सी हैं वो राशियां? वृषभ राशि, सिंह राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। अब हम जानते हैं कि कौन सी राशियों के साथ आपका विवाह या फिर प्रेम प्यार बहुत अच्छा देखा जाता है, बहुत अच्छी अटैचमेंट वाइब्स, एनर्जीज, कनेक्टिविटी, अंडरस्टैंडिंग्स बहुत अच्छी होती है। और राशियों के नाम है कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि और कुंभ राशि। कमेंट कीजिएगा दोस्तों आप, ठीक है, इनके साथ आपका बहुत अच्छा रहेगा। अब दोस्तों आपकी कुंडली में क्या है मुझे नहीं पता, अब आपकी कुंडली में किसी की भी कुंडली में लिखा होगा कि मैरिड लाइफ खराब है, फॉर एग्जाम्पल किसी की कुंडली में लिखा होगा मैरिड लाइफ में डाइवोर्स है, तो फिर आप किसी से भी कर लो, फिर तो वो डाइवोर्स होना है, क्योंकि वो आपकी कुंडली में फिक्स है, वो प्रॉमिस है, ठीक है। ये तो एक राशियों के हिसाब से कि किसके साथ आपका अच्छा देखा जाता है। और अब जानते हैं दोस्तों कौन सी राशियों के साथ में आपकी फाइट्स अत्यधिक होती है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा अक्सर देखी जाती है। और राशियों के नाम है कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, जिन पर आप विश्वास नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपका इनके साथ में कोई बॉन्डिंग्स होगी नहीं, अगर होगी तो फिर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आगे चल के परेशानी आपको हो सकती है। ये बताया दोस्तों मैंने सब कुछ, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सबके साथ में, लाइक कीजिएगा और बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।